हाय एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी। एंड बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमको अच्छा कॉलेज चूज करना है या अच्छा कोर्स चूज करना है। देखो, इसमें सबसे पहली बात आती है कि अगर आपका कोर्स अच्छा है इंस्टेड ऑफ अ बेटर कॉलेज, मान लीजिए आपको IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं मिल रही है और आपको कोई ऐसी इंजीनियरिंग मिल रही है जिसका नाम भी आपने शायद ना सुना हो, लेकिन वेयर एज आपको IIIT या NIT में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग में, तो आई थिंक अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में, तो आपको कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। रीजन क्या है? रीजन वन कि अगर आपका कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसा कोई कोर्स करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको शुरुआत में तो पैसे की वजह से आप उसको ज्वाइन कर लोगे, अच्छी कंपनी में जाओगे, पर वहां पे ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका कोर्स अच्छा है और वही है जो आपको करना है तो आप उसको पैशनेटली फॉलो कर पाओगे, एज अ रिजल्ट उसमें आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे इंस्टेड ऑफ आपके पास एक बस कॉलेज का स्टेटस सिंबल है। तीसरी चीज, अगर आपके पास कॉलेज का टैग नहीं है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स जो कंपनीज को चाहिए अपने एम्प्लॉयज के अंदर, अगर वो स्किल्स आपने डेवलप कर ली, चाहे आप अच्छे कॉलेज में गए, एक बड़े टैग वाले कॉलेज में गए या नहीं गए, उसके बाद भी आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होगा जिसकी वजह से आपके अच्छे प्लेसमेंट्स लग रहे होंगे।